लोग खुश क्यों नहीं रह पाते, इसके मैं 10 गुप्त कारण बताने वाला हूं और इससे समझने में आपको जीवन में खुशी आएगी। तो चलिए आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग बोलते कि यार मैं खुश क्यों नहीं, सब होने के बावजूद भी मुझे खुशियाँ क्यों नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों है, तनाव क्यों है, ऐसा भी लगता है। तो ऐसे मैं 10 कारण बता रहा हूँ और उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए ताकि आप जीवन में खुशियाँ ला सकेंगे और जीवन मजे से जी सकेंगे। तो जो 10 कारण, उसमें से पहला है कि हम एक बीमारी से ग्रसित है और वो बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अच्छा दिखना चाहिए, लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं वैसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। कंटिन्यूसली लोग क्या कहेंगे, ये बहुत ही बुरी बीमारी लोगों को है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा हरदम बोला जाता है। लोगों की चिंता मत करो, लोग कुछ भी किया तभी कुछ भी तभी कहने वाले हैं, मतलब कुछ भी आप करो, कुछ नहीं किया तभी करने वाले बोलने वाले हैं। कुछ किया तो बोलेंगे, कुछ नहीं किया तो बोलेंगे। तो लोगों की चिंता मत करो, आपको क्या अच्छा लगता है वो करो, नंबर एक। नंबर दो, आपके हेल्थ इश्यूज। यदि आपको हेल्थ इश्यूज है, शारीरिक बीमारी है, तो उसका बराबर ख्याल रखना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी गोली है, उसका परहेज, वो ख्याल रखना जरूरी है ना। आप यदि रोज चलना चालू करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रखते हैं खुद को, रोज 40-50 मिनट की एक्सरसाइज रखते हैं, आप फिट रहेंगे, खान पान अच्छा रखते हैं, बैलेंस डाइट अच्छा रखते हैं, तो भाई चलने के लिए तो कोई पैसे लगते नहीं। आप दोस्त बनाओ, अपनी एक कम्युनिटी बनाओ और चलना चालू करो। हेल्थ इश्यू, डायबिटीज है, दवाई लो, डॉक्टर को मिलो। तो ये आप करेंगे, खुद की केयर करेंगे, बॉडी की केयर करेंगे, क्योंकि आप बॉडी के विश्वस्त है, आप ट्रस्टी हो बॉडी के, उसकी केयर लेना आपका काम है। तो वो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। नंबर तीन, तनाव और चिंता। छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों को बहुत तनाव आते रहता है और वो तनाव से ग्रसित है। छोटी छोटी बात, मतलब आप बोलते यार तनाव नहीं होना चाहिए, अभी सब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत तनाव आ रहा है। जिनको कुछ भी काम नहीं है ना, उनको भी तनाव आता है। तनाव के लिए कोई कारण लगता ही नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही तनाव का हो गया है। तो यदि आपको तनाव आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस है, वरी है, तो आप ये देखो कि कहाँ कहाँ नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैंने वो प्रेजेंट उसको होना चाहिए कि भाई नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, उसको प्रेजेंट हो जाओ, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो। नेगेटिव थॉट्स आप ही आप आते हैं, पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ता है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, रोज 10 मिनट आप बैठते हैं ना, और लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, रिलैक्स हो जाना, तो आपकी स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगी। और वैसे ही सेल्फ हिप्नोसिस, स्व सम्मोहन वो करते हैं, उसमें विजुअलाइजेशन अफर्मेशंस करते हैं, तो बहुत फायदा होगा स्ट्रेस और बरी में। नंबर चार, तुलना करना, कंपैरिजन। बहुत बड़ा रोग है ये, भाई उसके पास में जो है वो मेरे पास में नहीं है, तो उसके पास में जो है वो मेरे पास में होना चाहिए, और मेरे पास में जो है वो उसके पास नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, जलन, कंपैरिजन करना, भाई कंपैरिजन क्यों करना है? आपको जो भी चाहिए वो मिल गया ना, तभी आप खुश नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा पाने वाला और कोई तो भी व्यक्ति है, फिर आप उसको देखेंगे, फिर और अपने आप को कम समझेंगे, फिर तुलना करेंगे, तो आपके ऊपर कोई ना कोई तो रहने वाला है, फिर तुलना क्यों करते हैं? हाँ, गोल रखना नहीं क्या? बिल्कुल गोल रखना चाहिए, गोल्स रखना चाहिए, अचीव करना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है, पर कंपैरिजन मत करो। कंपेयर करते तो आपका आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। जो भी है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, जो भी है उसके लिए शुक्राना, थैंकफुल। अपने पास में जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मुझे मिला है ना वो सफिशिएंट है। मेरे को हाथ है, मेरे को पैर है, मेरे को पूरी अच्छी बॉडी दी हुई है, मेरा दिमाग अच्छा है, जो भी है मैं चल फिर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, सब कुछ तो अच्छा है, और फिर मुझे जो चाहिए वो मिला सकता हूँ, तुलना क्यों करना है? तो जो है उसके लिए शुक्राना, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड में हरदम रहना है, और ग्रेटिट्यूड जर्नल आप चालू करो, बहुत फायदा हो जाएगा। नंबर पाँच, अपने प्यार में और स्नेह में कमी। परिवार के लोग हो, दोस्त हो, इनके साथ में आपके रिलेशनशिप जो है वो यदि अच्छे रहे तो बहुत मज़ा आती है और बहुत खुशियाँ मिलती है। और वैसे ही आपके लाइफ पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप, पति पत्नी, पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ में पार्टनरशिप, प्यार, स्नेह, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, और परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सभी के लिए, उनको खुश रखने के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, पति पत्नी को आप सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगे और आपका स्नेह बढ़ता रहेगा, बहुत मजा आएगा। नंबर छः, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। लोग कमाते हैं और कमा के कर्जा कर देते हैं, आगे जो कमाई होने वाली है उसका भी खर्चा आज ही कर देंगे, बोले उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे, और हरदम कर्जे में रहते हैं, उसका ब्याज भरते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड में तो 3% का 4% का पर मंथ ब्याज लगता है,
ख्याल नहीं दिया तो, जो अपनी कमाई है उसका कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20%, मैं दरदम 30 बोलता हूँ, अभी 20 बोल रहा हूँ, 20% आपके कमाई का बाजू में रखो और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। देखो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। जो आवश्यक है उसके लिए पहले खर्चा करो, जो मजे वाली चीज़ है उसके लिए बाद में, और इसके भी पहले करना है तो इन्वेस्टमेंट। नंबर 7, सोशल मीडिया को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखो। काफ़ी समय, 7 से 8 घंटा समय आपका सोशल मीडिया में जा रहा है, इंडियन का, एवरेज इंडियन का। हम अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फेसबुक में डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, कितनी लाइक आई, कितनी नहीं लाइक आई, पिछले बार कितने लाइक, लोगों ने लाइक किया, किसने लाइक किया, चालू रहता है, फिर उसमें दुखी हो जाते हैं। फिर लोगों को देखते हैं कि लोग कितने खुश है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग अच्छी अच्छी बातें बताते, दुख थोड़ी बताते लोग, वो इतने सुख है और मुझे सुख नहीं है, तो छोड़ो ना, सोशल मीडिया देखो ही मत, जो काम का है वही देखो, नॉलेज के लिए सोशल मीडिया का वापर करो, बाकी नहीं। नंबर 8, छोटी सोच जो है, लिमिटेड थिंकिंग, वो आपको दुखी करता है, क्योंकि आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। छोटी सोच और पैर की मोच आपको बहुत दूर तक जाने नहीं देंगे, ऐसा कहा जाता है। और उसके साथ साथ बैड हैबिट्स, यदि आपको बुरी आदत है, शराब की आदत है, कोई ड्रग्स की आदत है, एक्सरसाइज नहीं करने की आदत है, मतलब आलसीपना है, तो ये, और हरदम निगेटिव है, नहीं आऊँगा, नहीं पॉसिबल नहीं, ये नहीं होगा, मेरे को इतना ही करना है, मैं इतने में खुश हूँ, ऐसा बोलेंगे और बड़े लोगों को देख के दुखी होंगे, तो ये नहीं करना है। अफर्मेशंस दो, रोज गोल्स लिखो, डेली गोल्स लिखना है, बड़े बड़े गोल्स लिखो और रोज लिखो नए नए, और उसके नीचे एक्शंस लिखो कि हमको कौन सी एक्शन करनी है, छोटी सी 2-3 एक्शंस ही लिखो कि मेरे को 3 एक्शन आज करनी है, कि जो मैं करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपने गोल्स की तरफ जाऊँगा। तो 8वां है, छोटी सोच और बुरी आदतें बंद। नंबर 9, आत्मसम्मान की कमी। क्या होता है कि खुद का स्वीकार ही आदमी करता नहीं है, मैं छोटा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इतनी मतलब मूर्खता है मेरी, मेरे को समझ में नहीं आता जल्दी, मेरी अंग्रेजी कम है, मैं बुटका हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, चालू रहता है खुद के बारे में, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों के साथ में बातचीत नहीं करता, मेरा नाक ही बराबर नहीं, मेरी एक आँखें मोटी नहीं है, अच्छी नहीं है, चालू रहता है। भाई आत्मसम्मान आपका आप बार बार कम करते हो, तो उसके लिए दो है कि अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू करो, जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं अपने आप का स्वीकार करता हूँ और अपने आप के ऊपर मैं प्यार करता हूँ। रोज आईने के सामने खड़े रह के बोलना है, जो आईने में दिख रहा है व्यक्ति वो, उसको क्या, आई लव यू, मैं तुझ पर प्यार करता हूँ और तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, जैसे है वैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने लिए टाइम निकालना चालू करो, लोग अपने लिए टाइम निकालते नहीं हैं, बहुत भागम भाग करते, भाग दौड़ करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो बोलते बच्चों के लिए कर रहे हैं, अरे बच्चों ने थोड़े बोला करो करके, बच्चों ने ऐसा बोला है, बच्चे तो बड़े होने के बाद में आपको लात भी मारेंगे, निकाल देंगे घर से, नहीं नहीं बच्चों का एजुकेशन है, भाई किसने बोला, पहले अपने लिए टाइम निकालो, और अपने लिए टाइम निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा डेलीगेशन, डेलीगेट करो। अब जब आप डेलीगेट करेंगे, काम बांट देंगे, लोगों के ऊपर काम सौंपेंगे, तो आपको टाइम मिलेगा, कुछ फ्रीडम मिलेगा, आप अपने आप के साथ में बातचीत कर सकेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, खाली बैठेंगे, कुछ नहीं रहा तो खाली बैठो, शांति से बैठो, देखो कितना मजा आएगा, नेचर के साथ में जाओ, दूर कभी तभी घूमने चले जाओ, नेचर में जाओ, जंगल में जाओ, घूमो फिरो, बगीचे में जाओ, आपकी हॉबी जो है उसको परस्यू करो, पेंटिंग है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग है, जो भी अच्छा लगता है वो करो, दोस्तों को मिलो, पुराने दोस्तों को मिलो, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 10 आदतें आप अपने आप में डालते हैं, मतलब ये 10 बातें जो है, ये 10 अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई, ये करते हैं तो डेफिनेटली आप जीवन में खुश हो जाएंगे। तो ये 10 गुप्त कारण हैं जिससे आप समझ लेते हैं और अपने जीवन में डालते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो, सभी लोग सुखी नहीं है, ऐसा संत रामदास स्वामी ने बोला हुआ है कि जगी सर्व सुखी ऐसा कोणा है, विचारी मना तुची शोधू न पाए, मराठी में बोला है कि भाई ये दुनिया में सुखी कोई नहीं है, सभी दुखी है, हर एक को अपने अपने तरह से दुख है, तो सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि सब लोग सुखी हो जाएंगे। आप अपना ख्याल करो क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हो, आपके परिवार का, सभी का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।